धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को कैसे रखें व्रत, जानिए पूजा की विधि मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस मनुष्य पर बरस जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये चाहत तो सभी की होती है कि बैंक बैलेंस कभी खाली ना हो, जीवन में पैसा इतना ज्यादा हो कि हर मुश्किल छोटी लगने लगे। यही वजह है कि माता लक्ष्मी की पूजा घरों में ही नहीं बल्कि वर्क प्लेस पर भी की जाती है, जिससे बरकत के साथ ही सुख समृद्धि भी आती रहे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शास्त्रों में वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन शुक्रवार का व्रत बहुत ही कारगर माना जाता है। व्रत रखने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर को साफ सुथरा करें, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और फिर 7, 11 या 21 व्रत रखने का संकल्प करें। पूरे दिन मन में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। दिन में नमक ना खाएं, सिर्फ फलाहार करें। शुक्रवार के व्रत में पूजा मुख्य रूप से शाम के समय सूर्य ढलने के बाद की जाती है, इसलिए शाम के समय एक बार फिर से शुद्ध होकर भगवान के सामने बैठ जाएं। सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। मुट्ठी भर चावल को रख कर उसके ऊपर तांबे का जल से भरा लोटा अवश्य रखें। उसके ऊपर एक कटोरी में सोने या चांदी का कोई गहना हो तो उसे भी रखें। अगर आपके पास कोई गहना नहीं है तो आप सिक्का भी रख सकते हैं। साथ ही एक गुलाब का फूल कटोरी में अवश्य रखें। माँ लक्ष्मी के सामने रखे गहने का पूजन हल्दी और कुमकुम से करें और अक्षत और फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के श्री यंत्र और अन्य स्वरूपों को प्रणाम करें तथा फिर पूजा को शुरू करें। पूजा के समय माता के सामने शुद्ध घी का दीपक ज्वलाना ना भूलिएगा। कथा समाप्त करने के बाद माता को भोग लगाइए। वैसे तो किसी भी मिठाई का भोग माँ को लगाया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई बेहद ही पसंद है, इसलिए खीर या रबड़ी का भोग काफी उत्तम रहेगा। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर माँ के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करें। इसी के साथ शाम के समय एक साथ सादा भोजन किया जा सकता है। इस तरह से पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी के व्रत का आप अंत में उद्यापन जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।